सरारा तेरी माया पिछोड़ी उड़ी फरारा हाँ तेरी माया पिछोड़ी उड़ी फरारा। प्रतीक कॉल इज राइट हेयर। और जितना अच्छा मुझे अभी लग रहा है उतना जिंदगी में शायद थोड़ा बहुत कभी कभार लगा होगा। झरने की आवाज मानो वो शांति है कि यार दिल को एकदम पानी सा निश्चल कर दे। इस ये खूबी है इस पानी में, इसकी आवाज में। मतलब अगर पिछले एक साल में कहीं ट्रैवल भी नहीं किया, हिमाचल ट्रैक गया था वो भी 2017 में, उसके बाद अब तक शायद मैं एक साल में कहीं नहीं गया। उसके बाद सबसे जो गजब चीज रही कि जनवरी में घर आना, उसके बाद मुंशारी का प्लान बन रहा, और सेकेंडली मैं अभी बर्फी फॉल में हूँ। तो इससे अच्छी बात शायद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये शायद नए साल का गिफ्ट है मेरे लिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं शायद उनको ये बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली मुझे भी ये बात नहीं पता थी, मुझे कहीं से पता चली। और ये कहा जाता था कि जहाँ पर रोड है, जहाँ पर से कभी आप मुंशारी बर्फी फॉल आते हैं, तो जहाँ पर आपको रोड दिखेगी, जहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा करेंगे, तो पहले ये कहा जाता था कि जो ये बर्फी फॉल की जो बूंदे हैं वो उस रोड तक आया करती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, इसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है। भले ही पानी कम हो गया हो लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी हुई है। आज भी यहाँ आदमी उस तादाद में नहीं, इसे दुगनी तादाद में आदमी आ रहा है। ये था बर्फी फॉल। अब शायद वक्त हो गया है थोड़ा सा आगे बढ़ने का, क्योंकि 30 से 32 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारा मुंशारी इंतज़ार कर रहा है और बहुत कुछ देखने लायक वहाँ भी है। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट, सबसे बड़ा पॉइंट तो वहाँ स्नोफॉल। वीडियो वीडियो बढ़ू ना हमार जाना जहते रहूँ ना वहाँ दिखाते रहूँ कि यहाँ भेटी हम और क्या कहते नहीं या यहाँ हमूल चाउमिन मोमो खा। ये बाहर की हो ना या पूरे भारत में आदमी देखो वीडियो तो अपने शूट कर दी, तुम कल शूट कर दी दादी कह रहे हैं तुमला प्रमोट है जला। तो भाई लोग जब तक मैं बोल रहा था, ये बहुत ठेठ पहाड़ी है और बर्फी फॉल देख चुके हैं यार, और थोड़ा शांति में रहने का फिलहाल तो थोड़ा सा मन है। और अभी जहाँ पर मैं रुका हूँ ये है आपका बर्फी फॉल रेस्टोरेंट। तो कभी भी आप आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ पर लैंड कीजिएगा। हमने बाइक यहीं पर प्लेस की है, अगर आप बर्फी फॉल जाना चाहते हैं, अगर आपके मोटरसाइकिल वगैरह उसको सामान वगैरह है, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ख़ास सुविधा है कि आपके सामान की बहुत ज़्यादा टेक केयर यहाँ पर जो बर्फी फॉल रेस्टोरेंट के भाई साहब हमारे वो करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, आपको अपने आपके सामान की चिंता नहीं रहने वाली। कुल मिलाकर हमारी बाइक में बहुत कुछ सामान था, स्लीपिंग बैग, हमारा कैमरा का एक्सेसरीज, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैश अमाउंट, वो सारा कुछ सेफ था कुल मिलाकर। तो आइंदा जो भी हमारे भाई लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो भी मुंशारी ट्रैवल करना चाहते हैं, तो सामान की कोई चिंता नहीं है। आप बाइक बेझिझक बेधड़क खड़ी कीजिए, उसके बाद बर्फी फॉल का मजा लेके आप यहाँ पर चाय चौमिन जो भी आप खाना चाहते हैं, हल्का फुल्का फास्ट फूड खा पी के मुंशारी को निकल सकते हैं। दादाजी धरो धरो। तो यहाँ की सबसे खास बात यहाँ के जो कप है,
कुल्लड़ टाइप कप है। स्पेशली आप देखते होंगे जो कुल्लड़ वाले कप है आपको बाहर साइड हल्द्वानी से आगे कानपुर वगैरह दिल्ली नोएडा में देखने को मिलते हैं, टपरी और छपरीज में। लेकिन अगर आप बिरती फॉल रेस्टोरेंट में आते हैं तो आपको कुल्हड़ में चाय पीने को मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर पहाड़ में चाय पीने का मजा कुछ और ही है। मोमो रेडी करवाए हैं, मोमो चाउमीन। थोड़ा बहुत जुखाम लग रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मेडिकेशन भी हमने कैरी की है अपने साथ में। और दोस्तों कुल्हड़ में चाय, शायद आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहाड़ में आप चाय कैसे पिए। सबसे पहले ये कुल्हड़ जो रखा हुआ है ना, इसको घूरे आप। कुछ देर तक घूरने के बाद आपको ना फील होगा, क्योंकि इसमें से खुशबू आएगी इलायची की, थोड़ा बहुत लौंग की, हमारा पहाड़ का स्वाद आपको झलकेगा इस चाय में, इस चाय के रंग में। तो सबसे पहले इस चाय को हम ऐसे पकड़ेंगे, 2 मिनट तक यूं करेंगे ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके बाद इस चाय को हम ऐसे चुस्की के साथ ठाके मार के इस चाय की पहली सिप को हम महसूस करेंगे, तब जाके हमको महसूस होने वाला है कि हम पहाड़ की चाय पी रहे हुए बिरती फॉल मुंशारी में। उसके बाद एक सिप मारने के बाद धीरे धीरे टुकुर 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 यहाँ वहाँ देखिए, उसके बाद फिर से एक और सिप, फिर से वही सिस्की और फिर से वही दहाड़ चाय पीने। मतलब ये दिखाती कि आप ठेठ पहाड़ी है। स्टे ऑलवेज इडियट, स्टे द पहाड़ी नोमैड। अपने अंदर के पहाड़ी पने को हमेशा जिंदा रखना है, और क्योंकि यही लॉजिक है मेरे चैनल का नाम रखने में, द पहाड़ी नोमैड। नोमैड मतलब बंजारा होता है, और बंजारा बनने में एक अलग मजा है। यू आर द ट्रैवलर, यू आर द एक्सप्लोरर, यू आर द वॉन्डरलस्ट। तो कुल मिलाकर एक शब्द बनता है द पहाड़ी नोमैड।